हेलो दोस्तों, आई मैग्नस इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए आज से एक नया सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें प्रतिदिन के करंट अफेयर्स को हम लेकर आएंगे। एक दिन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित जितने भी डायमेंशंस हैं, जहां जहां से सिविल सर्विसेज के अंदर प्रश्न बनने की संभावना है, उन सबको आज से हम कवरअप करेंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री के लिए जो पुराना करंट अफेयर्स है 1 ईयर का, वो भी आपको लगातार मिलता रहेगा और अब आगे से डेली बेसिस पर आपको करंट उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कल जो 22 नवंबर को घटनाएं हुई थी उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न हमारे पास। चलिए, पहली घटना है कि 22 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है गणित दिवस। याद रखिएगा, गणित दिवस मनाया जाता है, जो कि भारतीय बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका नाम था रामानुजन, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। तो किस डेट को मनाया जाता है, याद रखना है 22 दिसंबर को। ये पहले भी पीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और अब फिर पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं। इनके बारे में आपको और भी अभी डिटेल दूंगा क्योंकि इन पर क्वेश्चन लगातार आते रहे। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को रामानुजन की स्मृति में गणित दिवस मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, रामानुजन साहब के बारे में हम बात करें, इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को, 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1920 में इनका मृत्यु हुआ था। अब याद रखिए, ये जो दिवस मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है सन 2012 से। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि गणित दिवस किस वर्ष से मनाना शुरू हुआ, तो 2012 से। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने इस दिवस को मनमाना शुरू किया और 2012 को गणित वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गणित वर्ष कौन सा ईयर है, तो आपके पास आंसर आएगा 2012। 2012 को गणित वर्ष माना जाता है। और इम्पोर्टेंट एक प्रश्न और है कि रामानुजन साहब की स्मृति में एक मूवी बनाई गई है इनके जीवनी के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर, उसका नाम क्या है। उसका नाम है हु द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये इनकी ऊपर बनाई गई मूवी का नाम है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 22 दिसंबर को क्या होता है, रामानुजन दिवस मनाया जाता है, गणित दिवस मनाया जाता है, इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, 2012 से मनाना शुरू किया और 2012 को ही गणित वर्ष के रूप में जाना जाता है। अब ये आपको दिखाई दे रही होंगे, ये कौन है, ये वो है जिनको 2021 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो रामानुजन पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता को। इनका नाम क्या है भाई, नीना गुप्ता। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से याद रखिएगा, 2021 का गणित का रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में किसने, भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा क्या किया गया, प्रलय के नाम से एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अभी आपको पता है, यानी कि 22 दिसंबर को कल जो है एक मिसाइल टेस्टिंग हुई है, वो मिसाइल जो थी उसका नाम प्रलय, वो किस प्रकार की मिसाइल है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, या सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से सतह में मार करने वाली, हवा से सतह में, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो नाम याद रखना है प्रलय, इसका आंसर क्या है, सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह में मार करने वाली ये मिसाइल है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ये चूंकि इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें, इसकी पेलोड क्षमता 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक। भारत के प्रकाश इस प्रकार की अन्य मिसाइलें भी हैं जिनमें नाम है अग्नि भी आपने सुना होगा, पृथ्वी भी सुना होगा, ये सब कैसी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब किसी दिन हम इस पर लंबी चर्चा करेंगे कि मिसाइल्सों के कितने प्रकार होते हैं, भारत के पास कौन कौन सी मिसाइल हैं। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि इंडिया ने अभी जो 22 दिसंबर को जिस मिसाइल की टेस्टिंग की है उसका नाम क्या है और उसकी क्षमता कितनी है। तो आपको याद रखना है 500 से लेकर 1000 तक इसकी क्या है क्षमता है और ये कैसी है, बैलिस्टिक मिसाइल है ना, बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की है। और दूसरी चीज़ ये क्या करती है, सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली एक मिसाइल। चलिए अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है, अभी हाल ही में एक
इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है जिसका नाम है होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने बताया है कि भारत यूनिकॉर्न कंपनीज के माने में, याद रखिएगा किसके मामले में, यूनिकॉर्न कंपनीज के बारे में क्या हुआ है, अभी हाल ही में भारत ने कुछ अच्छा ग्रोथ किया है, कौन से नंबर पे आ गया है, तो इसका आंसर है वो आ गया है थर्ड नंबर पे, याद रखिएगा। अभी बात करेंगे यूनिकॉर्न के बारे में, तो अभी हरन जो इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत यूनिकॉर्न के मामले में किस नंबर पे आ गया है, थर्ड नंबर पे आ गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न वो कंपनियां न्यू स्टार्टअप्स हैं जिनका वैल्यूएशन $1 अरब होना चाहिए। ऐसी कंपनियां जिनका वैल्यूएशन कितना होता है, $1 अरब होता है, उनको यूनिकॉर्न कहा जाता है। विश्व में पहले नंबर पर इस समय यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका है, दूसरे नंबर पर आपका चाइना है और थर्ड नंबर पर आपका इंडिया आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के लिए कि इंडिया यूनिकॉर्न के मामले में थर्ड नंबर पर आ चुका है। अब देखें इंडिया के अभी पास कितनी यूनिकॉर्न है, तो इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिकॉर्न जो है सबसे बड़ी उसका नाम है बायजूज, याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है तो आंसर क्या होगा, बायजूज। यूनिकॉर्न का अर्थ आपको समझना चाहिए, मैंने बताया यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, यूनिकॉर्न का मतलब ऐसी कंपनियाँ हैं जिनका वैल्यूएशन कितना होता है, $1 अरब होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा $1 अरब। अब बात की मैंने, तो भारत में इस समय लगभग 54 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, अच्छे से याद रखिए। उसमें टॉप पर कौन है, बायजूज है, और सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो हमारे पास किस शहर में, बेंगलुरु शहर में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज इस समय भारत में पाई जा रही है, और सबसे टॉप यूनिकॉर्न कंपनी है उसका नाम क्या है, बायजूज है, ये आपको याद रखना है। अगली खबर अभी हाल ही में आई है कि क्या कल आधा कि राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 ये जो चैंपियनशिप हुई है उसको पंकज आडवाणी ने जीत लिया है। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के काफ़ी प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीत लिया है। तो उन्होंने इस खिताब को कितनी बार जीता हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पास है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती है, तो आंसर क्या होगा आपके पास, पंकज आडवाणी। कौन सी बार जीती है, तो आंसर है 11th, 11वीं बार उन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को जीत लिया। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये जो आपकी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई है ये 88वें नंबर की चैंपियनशिप थी जिसका आयोजन भोपाल में किया गया था। कहाँ किया गया था, भोपाल में किया गया था। आडवाणी साहब के बारे में बता दूं, इनका संबंध महाराष्ट्र से है, अच्छे से समझिएगा, महाराष्ट्र से है। 2004 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ था, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। 2005-06 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। इसके अलावा भी अन्य अवार्ड भी इनको मिले हुए हैं, तो ये वाली चीज़ याद रखना है। और इसके अलावा इनके कुछ निकनेम्स से भी हैं, द गोल्डन बॉय के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है ना, द गोल्डन बॉय, द प्रिंस ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न आपके पास दिखाई देते हैं, द प्रिंस ऑफ इंडिया के नाम से भी किसे जाना जाता है, आपके आडवाणी साहब, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पंकज आडवाणी साहब जिन्होंने 11वीं बार क्या किया है, आपकी जो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है उसको जीत लिया। ये बिलियर्ड चैंपियनशिप हुई कहाँ थी, भोपाल में, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है तो पूछे जाने की संभावना है, अवश्य है कि मध्य प्रदेश पीएससी इस प्रश्न को पूछेगा। अब बिलियर्ड्स के बारे में बात करें तो इसके लिए जो आपका वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ब्रिस्टल में इसका क्या है, मुख्यालय है, और इसके जैसन फर्ग्यूसन कौन है, चेयरमैन है। 1968 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, बाई चांस यहाँ से प्रश्न भी पूछ सकता है। अब अगली खबर देख लेते हैं, अभी कल ही क्या हुआ है कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन चल रहा है। तो ये आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इससे संबंधित प्रश्न में भी बात करें, क्योंकि भारत ने इस चैंपियनशिप में क्या किया है, अभी कांस्य पदक जीत लिया है, याद रखिएगा, कल उन्होंने क्या जीत लिया, कांस्य पदक को जीत लिया है। तो पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो आपकी चैंपियनशिप है 2021 में हो रही है, एशियन हॉकी चैंपियनशिप, उसमें भारत ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास, ब्रॉन्ज मेडल। कांस्य पदक हो कहाँ रही है, तो आंसर है आपके पास बांग्लादेश। कहाँ पर आयोजित की जा रही है भाई, बांग्लादेश में आयोजित की जा रही है। और इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बता दूँ मैं आपको कि भारत विश्व का एक अकेला देश है जिसने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में तीनों स्वर्ण यानी कि गोल्ड, रजत यानी कि सिल्वर और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीते हुए, अच्छे से याद रखिएगा, भारत एक देश है जिसने क्या किया है, तीनों पदक अपने नाम कर लिए। तो बांग्लादेश में आयोजित की जा रही है, भारत ने इसमें क्या जीत लिया है आपके पास, भारत ने
इसमें कांस्य पदक को जीत लिया है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, हॉकी के बारे में। तो वर्ल्ड हॉकी एसोसिएशन भाई 1972 में स्टेब्लिश हुई, हेडक्वार्टर याद रखना है लुसाने स्विट्जरलैंड में, 1972 लुसाने स्विट्जरलैंड। भारतीय हॉकी फेडरेशन ये कब स्थापित हुई, 1925 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और आपके प्रेसिडेंट कौन है, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, ज्ञानेंद्रो ये आपके कौन है, प्रेसिडेंट है, याद रखना है। और आखिरी आपके पास जो खबर रहेगी इसी के अंतर्गत कि भारत ने ओलंपिक में कब कब कौन कौन से मेडल हॉकी में जीते हुए, तो ये पूरा आपके पास लिस्ट है दिखाई दे रहा होगा। 1928 एमस्टर्डम में क्या जीता था, गोल्ड जीता था। 1932 लॉस एंजलिस में क्या जीता, गोल्ड जीता। 1936 बर्लिन में क्या जीता, गोल्ड जीता। 1948 लंदन में क्या जीता, गोल्ड जीता। 1952 हेलसिंकी में क्या जीता, गोल्ड जीता। 1956 मेलबोर्न में भी क्या जीता, गोल्ड जीता। लगातार आपको दिखाई दे रहा है गोल्ड जीते जा रहे हैं। 1960 रोम में सिल्वर जीता हुआ है, अच्छे से याद रखना, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। 1964 टोक्यो में भी क्या जीता है, गोल्ड जीता है। 1968 मैक्सिको सिटी में क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता। 1972 म्यूनिख में क्या जीता, ब्रॉन्ज। और आखिरी जो गोल्ड जीता वो मास्को ओलंपिक था 1980 का, उसमें जीता है। तो टोटल आपसे पूछा जाएगा कितने गोल्ड जीते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अभी तक ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम कितने गोल्ड जीत चुकी है, 8। इनमें से भी पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो ये थी आपकी 22 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरें। कल आपके पास आज की खबरें यानी कि 23 दिसंबर की खबरें कल आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।